Hi everyone, myself is Professor B. R. Tiwari. Now I am coming with the lecture number 2 of definite integral. Ab lecture number 2 mein jo hoga, wo hoga substitutions method. So substitution method kya hai, kaise karte hai aur what are the basic point where we'll have to concentrate. So wo sari baaton ko seekhne ke liye hum chalte hai methods mein. Okay, so ye raha चैप्टर का नाम तो आपको पहले ही मालूम है. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड विच इज आई एम गोइंग टू टीच यू एंड द लेवल इज. अभी फिलहाल तो समझ सकते हो कि मैं बोर्ड लेवल पे सिखा रहा हूँ, बट जो कॉन्सेप्ट बोर्ड में है वही जेई मेन्स और जेई एडवांस में है. मतलब आपको उन बारीकियों को ध्यान रखना है बस, बाकी मेथड में और क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा. ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है आई इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स. मान लो कि एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, तो ये इनडेफिनेट में तो हमने पहले ही सीखा है कि अगर हमने कोई फंक्शन देखा और ये भी देखा कि उसका डेरिवेटिव भी है, तब फटाक से हम क्या करेंगे, लेट जी एक्स इक्वल टू टी कर देंगे. जी एक्स इक्वल टू टी. अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का पॉसिबल है. मान लो अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसे फंक्शन का ग्राफ ऐसे सपोज करो, ऐसे है, एरिया कैलकुलेट कर रहे हो ए टू बी, ए टू बी. तो ए टू बी में जब आप इंटीग्रेट करते हो तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर एरिया प्रॉपर नहीं आती है. ठीक है, अगर आपने मतलब आपको मालूम ही नहीं है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप ऐसे कर लो, इस पॉइंट तक ये कंटिन्यूअस है, ए टू सी तक ये कंटिन्यूअस है इसकी एरिया, और फिर डी से बी तक ये एरिया, एंड दैट विल गिव यू द टोटल एरिया फ्रॉम ए टू बी. तो उसे ब्रेक करके किया जा सकता है, ये एक प्रॉपर्टी है. मैं इसको लेटर ऑन कह सकते हो लेक्चर नंबर 8 या 9 में मैं सिखा दूंगा इसे, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना कंपलसरी. उसी तरह जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो सबसे पहली बात मस्ट बी कंटिन्यूअस लग जाता है, मस्ट बी कंटिन्यूअस. आप इसे 110% ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ये बात जरूर चेक करना. नहीं फिर क्या होगा कि अगर आप जैसे ये नहीं चेक कर रहे हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो फिर कुछ अलग सा आंसर आना चालू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू से 0 to 2π डी एक्स अपॉन 5 + 4 cos x. अब बच्चों को अगर याद होगा कि सर ने टाइप में बताया था, ये टाइप मैच हो रहा है आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी से, इससे ये मैच हो रहा है, इस टाइप से मैच हो रहा है. इसमें किया क्या जाता है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या पुट करते हैं, लेट टैन एक्स बाई टू, लेट टैन एक्स बाई टू इक्वल टू टी, एक्स बाई टू इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी, और एक्स इक्वल टू टू टैन इनवर्स ऑफ टी, एंड डी एक्स इक्वल टू 2 dt/1 t². ये हमने ऐसे कर रखा है इसे. फिर सो मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो एक बच्चे ने बोला सर मस्ट बी कंटिन्यूअस का यहाँ क्या रोल आया, बताता हूँ. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो तीन बातें हैं, मस्ट नोन, मस्ट नो अबाउट These points, पहले तो जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, जी एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए. नंबर दो, लिमिट चेंजेस एज पर न्यू वेरिएबल, न्यू वेरिएबल लिमिट चेंज होता है तब. लिमिट चेंज कैसे होगा, कोई बच्चा बोले लिमिट कैसे चेंज होगा, ऐसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो था, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, टैन ऑफ 0/2
इक्वल टू टी, दैट इज टैन जीरो इक्वल टू जीरो। पहले एक्स इक्वल टू टू पाई था, देयर फोर ये हो जाएगा टैन ऑफ टू पाई बाई टू इक्वल टू टी। तो टैन जीरो अगेन टैन पाई हो गया, विच इज टैन ऑफ एन पाई इज ऑलवेज जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जो तुम्हारा इंटीग्रल बनेगा वो जीरो टू जीरो, और डी एक्स तो बन जाएगा टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और फाइव प्लस फोर। अब कॉस एक्स को लिखा जा सकता है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस, वही टैन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर टी बाई टू, दैट विल गिव यू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई, लेकिन क्योंकि अपर एंड लोअर लिमिट सेम है तो आंसर डेफिनेटली जीरो होगा। इसको सॉल्व कर कुछ भी कर लो, आंसर तो जीरो आएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर अगर ऐसा है आंसर जीरो आएगा तो फिर मतलब जीरो नहीं आ सकता क्या? अरे भाई फाइव प्लस फोर कॉस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या आ ही नहीं सकता, इसके लिए हो ही नहीं सकता। इसको सॉल्व करके देखो ना, इसको सॉल्व करके देखोगे तो आप एक बढ़िया सा क्वाड्रेटिक बनेगा, जीरो कैसे पॉसिबल होगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर कहाँ गलती हो गई? गलती यहाँ हो गई कि टैन एक्स बाई टू, जैसे तुम पाई डालोगे तो पाई बाई टू हो जाएगा, फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी पाई बाई टू जब बन जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? और वहीं पे उसके लिए मतलब उसी पर्टिकुलर पार्ट पे ये पूरा कंडीशन खत्म हो जाएगी अगर आपने जीरो टू टू पाई है। अब क्योंकि जब जैसे टू पाई के बीच में पाई आएगा, टेन पाई बाई टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट आते ही कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर एक बच्चा बोले अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर इसको कैसे करना है? फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा जीरो टू पाई और पाई टू पाई बाई टू, ब्रेक करके फिर अलग अलग पार्ट को सॉल्व करना होगा। जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, लिमिट चेंजेस एज पर न्यू वेरिएबल एंड मस्ट बी डिफाइंड, एंड मस्ट बी डिफाइंड, मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा एक बच्चा बोले सर अगर मान लो कि जैसे मैंने जीरो टू पाई किया तो पाई बाई टू डाला तो इन्फिनिटी आएगा, लिमिट में इन्फिनिटी आएगा, तो जीरो टू इन्फिनिटी तो फिर वो मस्ट बी डिफाइंड का क्या मीनिंग है? तो जो इन्फिनिटी है ना उसको ले सकते हैं, बट उसका सॉल्विंग एक अलग तरीके से होता है जो मैंने लेक्चर नंबर 17 में सिखाया है, जिसको मैंने बताया है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। लेकिन हाँ अगर तुम्हें अगर इनिशियल लेवल पे ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो कोई बात नहीं, आप ले लो इन्फिनिटी, बस इन्फिनिटी से रिलेटेड कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। अब बहुत लोग ना कैलकुलेशन में इन्फिनिटी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा नंबर तीन, एफ जी एक्स मस्ट बी मोनोटॉनिक, मस्ट बी मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक दैट इज जी एक्स मस्ट बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है, जी एक्स मस्ट बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। फिर एक बच्चा बोले ये क्या लॉजिक है सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो तुमने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रखा होगा तो अगर तुम जी डैश एक्स निकालो, पॉजिटिव आए बिटवीन ए एंड बी तो फिर इंक्रीजिंग है बताता है, और नेगेटिव आए जी डैश एक्स अगर नेगेटिव आए बिटवीन ए एंड बी तो फिर वो डिक्रीजिंग बताता है। तो ये फंडा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, इट शुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ इट इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दैट क्लियर? क्लियर हुआ? तो आपको इन बातों का ध्यान देना है कि जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, पहली बात तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी जरूर चेक करना, लिमिट चेंज होगा बट ज़्यादातर डिफाइंड लिमिट की कोशिश करना, अगर डिफाइंड नहीं है जैसे एक क्वेश्चन आ गया मान लो लिमिट ऐसे हो गया जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो फिर मैं ऐसे करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व,
लिमिट ए टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर बाद में जब ये पूरा इवेलुएट हो जाएगा तब मैं उसका लिमिट इन्फिनिटी वाला लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो आप इस तरह करोगे, इसे ज़्यादातर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब उसमें भी दो पार्ट होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। बट उतना डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैथ्स है ये ट्वेल्थ वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तक चलेगा। फिर कंटिन्यूस देख लो, लिमिट चेंज होगा और मोनोटॉनिक होना चाहिए। फिर एक बच्चा बोले मोनोटॉनिक सब चेक करना कंपलसरी है। देखो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में एक बार गो थ्रू कर लेना ज्यादा इजी है, ज्यादा जरूरी है। फिर एक बच्चा बोले चलो सर अगर मान लो कि मैंने नहीं चेक किया मोनोटॉनिक तो फिर क्या होगा, ये भी बात है कि क्या होगा। अगले पेज पे चल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अगर मान लो कि एक बच्चे ने कहा, जैसे एक क्वेश्चन में लेता जीरो से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर साइन एक्स को टी लेते हैं, ठीक है। जीरो से पाई, फिर जीरो से पाई में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी। हाँ ठीक है चलो बता, यहाँ पर भी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तुम्हें। साइन एक्स को टी ले लिया, कॉस एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव हो गया डी टी। तो फिर अब जीरो, यहाँ पे जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो। अच्छा कंटिन्यूटी पे सवाल ही नहीं उठता है, अभी इसका सवाल तो कंटिन्यूटी पे उठेगा ही नहीं कि सर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। डेफिनेटली ये कंटिन्यूस है। फिर जीरो डालोगे तो जीरो, पाई डालोगे तब भी जीरो। तो फिर तुम्हारा तो ये प्रॉब्लम लॉग टी डी टी हो गया, एंड जो फाइनली आ गया जीरो। फिर एक बच्चा बोले सर ऐसे कैसे जीरो आ गया, आपका टेक्निक अगर मैं लगाऊँ तो। हाँ मेरा ही टेक्निक लगाना पड़ेगा, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ टी डी टी, सॉरी जीरो टू पाई बाई टू। फिर जीरो डालोगे जीरो, पाई बाई टू डालोगे तो वन, प्लस वन से जीरो लॉग टी डी टी, मतलब पाई बाई टू से फिर पाई तक ले गए। एक बच्चा बोले सर इसका आंसर जीरो आएगा कि नहीं आएगा। वैसे प्राइमरी चीज़ तो बता रही है कि हाँ जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, जब तुम लिमिट उल्टा करते हो तो बाहर का प्लस साइन माइनस में बदल जाता है, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो। बट फिर भी एक चीज़ याद रखो कि जो सब्सटीट्यूशन आप कर रहे हो दैट शुड बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, दोनों नहीं होना चाहिए। तो उसका भी एक रोल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं काम आया तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे आपका ये टर्मिनोलॉजी, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वहाँ पे यूज़ होगा। तो चलो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये आ गए न्यूमेरिकल में। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम, आई इक्वल टू जीरो टू वन बाई रूट टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू। अगर बंदा समझदार होगा तो ऐसे बोलेगा, रेस टू थ्री बाई टू मतलब ऐसे लिखते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब के कहीं पर भी लिखा हुआ है एक्स रेस टू थ्री बाई टू, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्यूब, यानी कि रूट ऑफ एक्स का तीन बार मल्टीप्लाई, एंड दैट विल गिव यू वॉट एक्स रूट एक्स। ये तुम्हें देगा एक्स रूट एक्स, लाइक दैट ये चीज आ जाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, तो हमने एक बार लिया कि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी हो गया, देयरफॉर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी। फिर साइन में एक्स की जगह पे जीरो डाला, चेंज ऑफ लिमिट्स कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ जीरो equal to t and that will give you 0, x equal to 1 by root 2 implies that sin inverse of 1 by root 2, 1 by root 2 equal to t equal to pi by 4, ठीक है, ठीक है, आंसर के करीब है, कंटिन्यूस है, तो definitely sin inverse x उस रेंज में कंटिन्यूस होता है, मोनोटॉनिक भी होता है, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जिन्हें मालूम होगा वो
ये कुछ ऐसे होता है, 0 से π/2 के बीच में, ये तो 0 से 1 के बीच में, ये है 1/√2। तो यहाँ तो कंटिन्यूअस तो है ही है, मोनोटॉनिक भी है, सारी बातें फुलफिल कर रहा है। अच्छा कोई बच्चा बोले सर बोर्ड में भी इतना सब ध्यान रखना है क्या? बोर्ड के लिए इतनी सारी चीजें नहीं ध्यान रखो, फिर वो क्या होगा, बहुत सारी चीजें अगर एक साथ जम्बल्ड अप हो जाएंगी तो फिर बहुत कुछ क्लियर नहीं भी होगा। अच्छा चलो पहले पुट कर लो, साइन इनवर्स का मैंने ले लिया टी, ये हो गया टी बरोबर, श्योर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, फिर डी एक्स अपॉन ये वाला टर्म हो गया डी टी, फिर नीचे आ गया 1 - x2। तो एक क्वेश्चन में दोनों थोड़ी मेंटेन करेंगे, तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू साइन टी। अच्छा फिर मोनोटॉनिक क्यों होना चाहिए, उसका रीजन भी है, जब हम फंक्शन इस साइड लेके जाते हैं मतलब उसका इनवर्स ले रहे होते हैं, इनवर्स लेने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है, वही इस चीज है कि 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, उसी को मोनोटॉनिक भी यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है 1 - sin²t आ जाएगा, 1 - sin²t आ गया, फिर दैट विल गिव यू 0 to π/4 t इंटू 6²t dt। होपफुली अगर तुम समझ सकते हो तो समझ लो, समझ गया ना क्या हो गया, 1 - sin² यानी कि cos² / cos² मतलब 6² हो गया। अच्छा शॉर्टकट से आंसर निकाल लेता, t 1 0 6²t का इंटीग्रल tan t, tan t का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ 6t, tan का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ ना ये इससे प्लस माइनस, तो i इक्वल टू आंसर आ जाएगा t tan t माइनस log 6t, log ऑफ मॉड ऑफ 6t 0 to π/4। ठीक है अब π/4 डालोगे तो i इक्वल टू, पहला π/4 डाला तो π/4 tan π/4 1 हो जाएगा, माइनस 6π/4, 6π/4 तुम्हारा कितना होता है 6 45 √2, तो log√2 लिख दो, 0 डालोगे तो ये 0 होगा, 6 0 1 हो जाएगा, बट log of 1 0 हो जाएगा, 0 डालने की जरूरत नहीं है। तो चाहे इस आंसर को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, √2 मतलब 2 raise to ½ करके, ½ log 2, ये दोनों आंसर करेक्ट है। तो ये जो न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बट ये सेम न्यूमेरिकल आपको किसी भी जेई की अच्छी बुक में मिल जाएगा देखने के लिए, तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दो कि फंक्शन पहले तो 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है 1 to 1, पहले तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी तो सबसे मैंडेटरी है, कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत कर दोगे, कंटिन्यूअस के बाद लिमिट मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है चलो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी रिलेटेड अगर कैलकुलेशन में पक्के हो तब तो तुम्हारा ये क्वेश्चन निपट जाएगा। लास्ट में 1 to 1, क्योंकि देखो 1 to 1 इसलिए जरूरी है कि आप इनवर्स यहाँ पे लेते हो, जैसे जब आपने पुट कर लिया कि जी एक्स इक्वल टू टी, तो जब लिमिट चेंज करते हो तो फिर वो जी इनवर्स ऑफ टी हो जाता है ना, तो इनवर्स के लिए फिर एक बात कंपलसरी हो जाती है कि फंक्शन 1 1 रहे और ऑन 2 रहे, ठीक है इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि 1 1, तो अगर देखो फंक्शन 1 1 तो ऑलरेडी ऐसे ही हो जाता है, इंक्रीजिंग स्टेट में है या डिक्रीजिंग स्टेट में है, तो फिर ऑटोमेटिक वो कंफर्म हो जाता है कि भाई 1 1 है, बस 1 1 है, तो फिर मोस्ट ऑफ द फंक्शन तो आपके मतलब ऑन टू इनटू दोनों हो सकते हैं, बट 1 1 के लिए तो हम डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन, 0 to π/4, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई इक्वल टू 0 to π/4 6² x dx, फिर प्रीवियस tan 3 tan²x + 4 tan x + 1, 3 tan²x + 4 tan x + 1,
ठीक है, दिख भी रहा है कि टैन एक्स को अगर मैं टी मानू, टैन एक्स को अगर मैंने टी मान लिया, अच्छा क्या मेरा 0 से π/4 में टैन एक्स को टी मानना सही है? हाँ, कंटिन्यूअस तो है। 3t² + 4t + 1, फिर ये उसका dt हो जाएगा। तो अगर टैन एक्स बराबर टी हुआ तो एक्स बराबर टैन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है ना? टैन इनवर्स, ना, टैन एक्स इक्वल टू टी लिया ना, ठीक है, टैन ऑफ 0 0, टैन ऑफ π/4 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स, फैक्टर ही निकल रहा है तो मुझे लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा इजी होगा। अच्छा, कोई बच्चा बोले बिना पार्शियल फ्रैक्शन के, फिर वही है, ये कॉमन ले लो, 1/3 डी टी अपॉन t² + 4/3 t + 1/3, इसका आधा साइन चेंज, सॉरी इसका आधा का होल स्क्वायर, 1/3 0 to 1 डी टी t² + 4/3, इसका आधा 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9 ऐड किया, 1/3 - 4/9, फिर ऊपर नीचे अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, (3)(3), तो फिर ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा, i = 1/3 0 to 1 डी टी अपॉन, ये हो जाएगा t + 2/3 का होल स्क्वायर, फिर -1/9 जिसे 1/3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, x² - a² आ गया, 1/3, ये हो जाएगा 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ t + 2/3 - 1/3 x - a / t + 2/3 + 1/3 अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 1। 3 तो कट गया, i = 1/2 0 to 1, सॉरी इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम ना कि इंटीग्रल ले रहे हैं, 3t (2 - 1, 1) ln ऑफ मॉड ऑफ 3t + 1 और 3t + 3, 3t + 3, देख लो, मतलब इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों का कॉमन 3 कट जाएगा, अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब जैसे कि 1/2 अपर लिमिट डालते हैं तो 4/6 ln ऑफ 4/6, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो ln ऑफ 1/3, श्योर 1/2 ln ऑफ 4/6 डिवाइडेड बाई 1/3, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3/1, तो 2 ln ऑफ 2, ln ऑफ 2/2 ये आंसर है। देखो कहाँ पर डिफिकल्टीज आई तुम्हें, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसने तुम्हें प्रॉब्लम दिया, मुझे बताओ। तो होपफुली ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसने तुम्हें प्रॉब्लम दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक बार कैलकुलेशन चेक करना, कभी कभार छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है कैलकुलेशन में। जैसे हमने 1 डाल दिया तो ये 4 और ये 6 हो जाएगा, 4/6, और 0 डाला तो 1/3, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा थर्ड नहीं लूंगा, थर्ड की बजाय मैं फोर्थ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर की। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेने जा रहा हूँ। अब कोई बच्चा बोले सर 4 क्यों लेने जा रहे हो, थर्ड क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? थर्ड थोड़ा सा लेंगी है, लिमिट 0 to 4π दी है ना, एक्चुअली 4π तो नहीं है, वो π/4 है, लेकिन मैंने उसे करेक्ट करके देखा, उसके आंसर को मैच किया था, ये π/4 है, बट मैं 4π को भी लेके समझाऊंगा, समझ
ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो सेकंड हमने कर लिया 0 to 2 पाई रूट ऑफ कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। नेक्स्ट 0 to 2 पाई रूट ऑफ कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होगी, क्या कॉस है? हाँ, इसे अगर समझदारी से करो तो फिर तो ये डिफिकल्ट नहीं है। 0 to 2 पाई इसे यूं कर सकते हो, रूट ऑफ कॉस एक्स। मैंने ऐसे देखा कि रूट के अंदर कॉस है, अगर मैं कॉस को टी लूं तो साइन एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, तो ये तो एक साइन एक्स क्यूब है ना, तो एक साइन एक्स, तो ये तो डी टी में बदल जाएगा, बचा साइन स्क्वायर एक्स, जिसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो फिर अगले स्टेप में ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे हो जाएगा, 0 से 2 पाई रूट कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, मतलब 2 प्लस हाफ पावर 2.5 पावर हो जाएगा, कॉस रेज टू 5/2 x ऐसे लिख दो, और फिर यहाँ पे लिख दो साइन एक्स डी एक्स। हाँ, अब यहाँ पे अगर एक बच्चे ने बोला कि सर लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स को आपने टी ले लिया तो कंटिन्यूअस है, हाँ है, फिर लिमिट सेम, cos 0 और cos 2 पाई दोनों सेम होते हैं, तब तो cos 0 भी 1 होगा और cos 2 पाई भी 1 होगा, तो 1 to 1 ये हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा ये, 1 to 1। अब देख लो, तो फिर एक बच्चे ने बोला हाँ सर, लेकिन ये चीज प्रूफ करता है कि फिर ये 1 to 1 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, और आपने बोला था कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, तो इसे आई होप ब्रेक कर लेना चाहिए, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ तो। चलो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म डिस्कस कर लेते हैं, इसका आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा, बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, इतनी सारी, अच्छा ये बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स पे इतनी सारी बातें नहीं बताते हैं, खैर बतानी भी नहीं चाहिए, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, बतानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन तो आता है, बट जब आप जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तब आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस है क्या, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स, एफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो 0 से पाई में माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड 0 पाई से 2 पाई में माइनस साइन एक्स विल बी पॉजिटिव, बिकॉज साइन एक्स विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो ऐसे ये लॉजिक से आप मतलब 0 से 2 पाई में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर है, इसलिए मोनोटॉनिक नहीं हुआ है, इसलिए इसका ब्रेकडाउन जरूरी है। तो इसके ब्रेकडाउन में सबसे पहले आपको करना क्या है, अच्छा पहले तो ये कर लो, लिमिट लगा लो एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू cos 0 यानी कि 1, एक्स इक्वल टू -1, टी इक्वल टू cos, सॉरी एक्स एक्स इक्वल टू पाई, टी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 2 पाई, टी इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई दैट इज इक्वल टू +1। तो इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस, व्हाट आई विल गेट, जीरो 1 to -1, फिर टी रेस टू हाफ माइनस टी रेस टू 5/2 माइनस डी टी, फिर प्लस -1 से 1, ठीक है ना, पाई से 2 पाई जा रहा हूं मैं, पाई से 2 पाई, देखो ये 0 से पाई और ये पाई से 2 पाई ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, टी रेस टू हाफ माइनस टी रेस टू 5/2, टी रेस टू 5/2, फिर यहाँ पे ये भी माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। हाँ, अब इसका आंसर 0 आ जाएगा, कोई बच्चा बोलेगा कैसे आपने सॉल्व भी नहीं किया,
कहूंगा देखो, एक प्रॉपर्टी है जो आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, यहाँ लिख देता हूँ, और आपका ये दोनों लिमिट सेम है बट उल्टे पुल्टे डायरेक्शन में है, तो अगर आप यहाँ पे साइन -1 to 1 करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक का साइन चेंज करो मतलब उसके बाहर नेगेटिव है, तो -1 to 1 करोगे तो बाहर नेगेटिव का पॉजिटिव साइन आ जाएगा, t^2½ - t^5/2 dt एंड -1 to 1 t^2½ - t^5/2 dt। अब ये कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर इज व्हाट, 0। तो फिर एक बच्चा यहाँ कह सकता है कि सर उसमें फिर क्या गलत थी, अगर हमने डायरेक्टली किया होता तो जैसे cos 0 और cos 2 phi दोनों डाल दिया होता तो 1 to 1 हो जाता, तो हम लिख देते कि लिमिट, ये एक लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर अपर एंड लोअर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर 0 आता है, आंसर 0। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में तुम लकी होते, अगर तुम ऐसे करते और तुम्हें 0 आ जाता तो तुम लकी होते कि तुम्हारा राइट आंसर आ गया, बट हर बार इतने लकी नहीं होगे, कभी ना कभी फंसोगे उसमें, डेफिनेटली फंसोगे। ठीक है चलो ओके, अब पहले ये निपटा देते हैं। 0 से π/2 में 5 + 4 cos x, ठीक है। फिफ्थ वन, i = 0 से π/2 में dx/5 + 4 cos x। क्या करना है इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को ऐसे अज्यूम कर लो कि ये प्रॉब्लम ऐसे लिखा गया है। ये तो एक स्टैंडर्ड टाइप है, जिस बच्चे को याद हो जाए उसके लिए तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर याद करना पड़ेगा, बिकॉज हर बार रूल मतलब कुछ भी करके आंसर नहीं आता, कुछ कुछ रूल्स होते हैं जिसको मगअप करना जरूरी होता है। हाँ, लेट tan x/2 = t x = 2 tan 1 of t dx = 2 dt/1 + t² ये आ गया। कंटिन्यूअस है 0 से π/2 में, वो भी x/2 है ना, π/2 डालोगे तो π/4 हो जाएगा, तो 0 से π मतलब कंटिन्यूअस तो है, tan π/4 कंटिन्यूअस तो है, ना कंटिन्यूटी पे सवाल उठता है ना इस पे सवाल उठता है, अपना क्या कहते हैं 1 1 on 2 पे सवाल उठता है, ठीक है 1 1 भी रहेगा। ठीक है चलो, i = 0 tan 0 0 tan π/4 1 और d 2 dt/1 + t² 2 dt/1 + t² / π + 4 1 - t² / 1 + t² चलो एलसीएम ले लो, 0 to 1 2 dt, होपफुली 1 + t² कैसे गया वो मैं बताता हूँ। पहले इसको अपॉन 1 कर लिया, एलसीएम ले लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कट गया, तो 5 + 5t² + 4 - 4t² फिर 0 to 1 i = 0 to 1 2 dt/5 + 4 9t² + 9, 2 बाहर रख लो, dt/t² + 3² i = 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 1, 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3, tan इनवर्स ऑफ 1/3, लोअर लिमिट डाल के कोई मतलब नहीं है। x² + a² 5t² - 4t² 5 + 4, ठीक है ये भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। करेक्ट क्वेश्चन तो ये था, करेक्ट क्वेश्चन i = 0 से 4π/4 sin 2x / sin^4x + cos^4x,
ये था। पहले तो तुम्हें बता दूं कि साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x का कन्वर्जन कैसे होगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा। फिर ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम करें, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x का स्क्वायर हो गया। तो अगले केस में तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, यहां तक आ जाएगा। फिर चलो अगर सिंप्लीफाई भी करते हो, यहाँ पे 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x होता तो कॉस स्क्वायर भी लिख देते, ठीक है। चलो इसे 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/2 ऐसे हो जाएगा। तो अगर इसे तुम ऐसे चेंज कर देते हो 0 से π/4 2, क्योंकि तो अपॉन 2 लिखोगे नीचे डिनोमिनेटर में वो तो ऊपर ही जाएगा, 2 sin 2x/1 प्लस cos² 2x dx, ये ऐसे हो जाएगा। फिर सब्सिट्यूशन अगर अप्लाई करते हो, लेट cos 2x = t माइनस 2 sin 2x dx = dt, देयरफॉर sin 2x dx = -dt, सो इट बिकम 0 cos 0 1 cos π/4 × 2, यानी π/2 दैट इज 0। ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 sin 2x, ये देखो ये dt, इसे ऐसे कर दो 2 sin 2, तो 2 sin 2x, ये तो dt हो जाएगा माइनस dt/1 + t². अब इसका आंसर आ जाएगा tan 1 t। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाहर का माइनस किधर गया। देखो मैं माइनस गायब कर रहा हूँ, माइनस को प्लस कर रहा हूँ, तो जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगी। फिर tan 1 - tan 1 0 एंड द आंसर इज व्हाट, π/4। ये आ गया आंसर, देखो कहीं कोई डाउट। अब बात करते हैं 4π लेके। अगर तुम 4π यहाँ पे लेते हो तो कंटिन्यूअस है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, बट 1:1 नहीं बनेगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर उससे लेना देना क्या है 1:1 से। लेना देना ये है, जब तुम लिखोगे cos 2x = t तो 2x = cos 1 t, नहीं लिमिट तो ऐसे भी यहीं से ही आने वाली है। हाँ cos 2x = t, तो जैसे तुम cos 0 निकालोगे वो 1 आ जाएगा, और cos 2 × 4π यानी कि 8π निकालोगे वो भी 1 आएगा, t = 1। तो ये दोनों पार्ट 1:1 रहेंगे, तब आंसर 0 आ जाएगा, तब आंसर 0 आ जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा अगर सर मान लो उसको हम लोग ब्रेक करके करें तो, हाँ तुम्हें ब्रेक करना भी पड़ेगा, 0 से π/4, π/4 से π/2, क्योंकि तो ये इसकी पीरियोडिसिटी चेक करके, इसकी पीरियोडिसिटी चेक करके और 1:1 चेक करके तुम्हें उसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ब्रेक करते हो तो आपको रॉन्ग आंसर आएगा। आप देखो इसमें अगर 4π हो तो 4π पे तो आंसर 0 हो जाएगा, और 4π को अगर आपको ब्रेक करना है तो यू विल हैव टू डू द सेम ट्रिक व्हाट आई टोल्ड यू। क्या मैंने तुम्हें बताया
तुम्हें क्या समझाया है कि उसको ब्रेक करना पड़ेगा जिससे फंक्शन 1 to 1 हो, 1 to 1 हो। देखो कंटिन्यूटी पे सवाल नहीं उठ रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कॉस 2x 0 से n पाई तक कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन 1 to 1 है तो शायद नहीं है। 1 to 1 कैसे होगा, इसका पीरियड आता है 0 से cos 2 थीटा का पीरियड ना, cos थीटा का पीरियड 2 पाई, तो 2 थीटा का पीरियड 2π/2 यानी कि cos पाई हो जाएगा। cos पाई में ये ऐसे मतलब पाई में टोटल ये ऐसे चक्कर काट लेगा 2x ऐसे, मतलब ओ सॉरी ये तो साइन का हो गया, ये ऐसे हो गया ये, तो ये यहाँ तक, तो ये इतने में ये इंक्रीजिंग भी दिखा दिया, सॉरी डिक्रीजिंग भी दिखा दिया, इंक्रीजिंग भी दिखा दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसे ब्रेक कर लो यहाँ से यहाँ तक, इसमें कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में, ये भी चलेगा 0 से π/2 में, π/2 से π में, π से 3π/2 में, 3π/2 से 4π में, सॉरी 2π में, ऐसे ब्रेक कर लो और उसे 4π तक लेके जाओ, और फिर अलग अलग इंटरवल में जब उसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ एक यूनिक आंसर आएगा। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन बुक का इनकरेक्ट था, ठीक है, इनकरेक्ट था, क्योंकि जितना बड़ा, क्योंकि वो फिर वो क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, कुछ 8-10 मार्क का होना चाहिए, कितने पार्ट में ब्रेक होगा, 0 से π/2 4π है ना, 8 पार्ट में ब्रेक होगा, तो कम से कम हर पार्ट को 2-2 मार्क भी पकड़ू तो मैं कुल मिला के 16 मार्क का न्यूमेरिकल हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा इसके और भी तरीके हैं जो प्रॉपर्टीज के फॉर्म में सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी ये रहा डेफिनेट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगले वीडियोस में भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, हाँ, और सब्स्टिट्यूशन मेथड की और बारीकियों को समझेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।